में हाँ भाई ये मास्क पहनना है, हेलमेट नहीं पहनना किसी ने, हाँ हाँ। लेकिन मास्क पहनना है। अच्छा वो लगता है ये ट्रेंडिंग रहता है कि हाँ भाई वी आर अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। मास्क ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हल्की हल्की बारिश और कोरोना वायरस के साए के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ इस टाइम गाजियाबाद में, तारीख है 6 मार्च और बज चुके हैं 8:46 और यहाँ से जाया जाएगा गाजियाबाद टू दिल्ली। बेसिकली कोरोना वायरस का साया बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और इंडिया में भी बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस के आ चुके हैं और रिसेंटली सुनने में आया कि गाजियाबाद में भी पॉजिटिव मिला है कोरोना वायरस का और बहुत सारी अपडेट्स हैं इंडिया से, मतलब भारत में भी पनप चुका है, भारत में भी आ चुका है कोरोना वायरस। आज गाजियाबाद से हम लोग कहाँ जाएंगे, गाजियाबाद से दिल्ली का सफ़र करेंगे। हल्की हल्की बारिश चल रही है और बारिश के बीच हमारी दिल्ली के हाल क्या हैं, बेसिकली रोड्स उसी तरह जाम हैं, ये उसी तरह ट्रैफिक चल रही है, दिल्ली जैसे कहते हैं कि कभी रुकती नहीं है, तो क्या आज भी इस हालात में भी रुक नहीं रही। प्राइमरी स्कूल सब बंद करा दिए हैं, पेटीएम का ऑफिस तक बंद हो गया बिकॉज उधर भी एक सस्पेक्ट मिला, कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। लेकिन क्या हमारी सरकार तैयार है इतने बड़े संकट के लिए, जैसे चाइना ने रातों रात हॉस्पिटल्स बना दिए और चाइना में अभी मैं रात को न्यूज़ भी सुन रहा था और देख भी रहा था कि अब कोरोना वायरस कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर दिल्ली में आ जाता है, मतलब भारत में आते हैं और दिल्ली में जैसे केसेस हुए हैं, और क्या हमारा भारत इस कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। सत श्री अकाल ऑल, स्वागत है, वेलकम है एक बार फिर से बजूका वर्ल्ड में। तो फिर एक बार फिर से करें अपना व्लॉग शुरू विद सेइंग लेट्स व्लॉग। गाजियाबाद शहर और बाहर अभी सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है ना, बड़ी अच्छी लग रही है खाली, लेकिन बाहर जाके उल्टा होने वाला है। मैंने सुना ट्रैफिक बहुत है भैया, दिल्ली जाने में पड़ जाएगी आज। आ जाओ, कोरोना वायरस के साए में जी रही है दिल्ली, लेकिन ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये अभी दिख नहीं रहा। दिल्ली में अभी कुछ थमा नहीं है, बेसिकली गाजियाबाद में ट्रैफिक थम चुकी है, मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भैया, थमी मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। आ जाओ, गाजियाबाद में पहला पॉजिटिव केस हो चुका है और बात करें कि उस तरह की रिस्ट्रिक्शन की, तो कल रात को मैं यहीं पर था तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म था कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशंस जो लेने चाहिए, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, या फिर सैनिटाइज़र से बात याद आई कि भैया सैनिटाइज़र ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं, मास्क ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर धंधा चलना शुरू हो चुका है सैनिटाइज़र वालों का, और जो सैनिटाइज़र 200 का मिलता था वो बढ़ा के पता नहीं 290 300 इतने तक का कर दिया गया, और यहाँ पर स्टॉक आउट भी होना शुरू हो चुका है। और देखो यार ट्रैफिक वैसी की वैसी है, लेकिन देखिए यार मास्क वाला कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है इस टाइम गाजियाबाद में, जैसा कि सोचा जा रहा था कि मास्क वाला एक भी बंदा नजर नहीं आया। देखो रोड पे इस टाइम 9 के आसपास चल रहे काफी लोग हैं, लेकिन एक भी बंदे ने मास्क नहीं डाला, या तो मास्क मिल नहीं रहे या फिर अभी अवेयरनेस नहीं है। ओ दिख गए पहला बंदा मास्क, वो अंकल जी दिखे। ये मान के चल रहा हूँ कि 10 या 15 में से अब एक बंदा मिलना शुरू हो चुका है मास्क वाला, और लेकिन हालात फिर भी वही के वही हैं। अभी ट्रैफिक से थोड़ा बाहर आए हैं, मेरे को कुछ लेना है और लेने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ यार। नेविगेशन लग चुकी है और भैया हालात वैसे के वैसे ही हैं, देखिए इन्हें बिना मास्क के। तो दिल्ली वैसे की वैसी है, भीड़ वैसी की वैसी है, बट ये है कि कोरोना वायरस आ चुका है और भगवान करे कि ये बीमारी ज़्यादा फैले ना। कहते हैं कि ठंड में ज़्यादा वायरस फैल रहा है, और ये बारिश का पड़ना मतलब वायरस का और पनपना, मतलब वायरस और ज़्यादा तेज़ी से पड़ता है ठंडे इलाकों में।
दिल्ली की ही बात करें तो बहुत सारे लोग सड़कों पे रहते हैं और बहुत सारे लोग बेघर हैं, बेसिकली घर नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, और अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास टीवी भी नहीं है, जिनको ये भी नहीं मालूम वायरस होता क्या है। कोई भी बंदा आप अगर मेरे पीछे भी देख रहे हैं तो किसी ने भी मास्क नहीं डाला, चाहे सड़कों पे घूम रहे हैं चाहे कहीं घूम रहे हैं। सो एवरीवन इज लाइक कूल डूड टाइप्स। देखिए तो भैया, गाजियाबाद का हाल तो आपने देख लिया, अब वेलकम टू दिल्ली वो बोर्ड लगा है, तो दिल्ली में भी हम एंटर करने जा रहे हैं और दिल्ली क्या कह रही है और क्या हाल है दिल्ली के वो देखने को मिलेगा अभी। कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है, बट गूगल पूरी तरह बिगड़ चुका है यार, मेरा गूगल ठीक हो जा प्लीज। का हाल आज 6 मार्च 2020 में वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। कोरोना वायरस हालांकि आ चुका है, पर जैसे कि चाइना में अगर आप वीडियोस देखते तो आपको पता लगता कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, रोड्स खाली होगी, बट यहाँ पर अभी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पर उस तरह से फैला नहीं है। हालांकि प्राइमरी स्कूल्स को बंद करा दिया गया है 31 मार्च तक के लिए। तरुण भाई हैं जो बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं, इनको थोड़ा लाइट कर देते हैं। आराम से आराम से। कोरोना वायरस एंटर हो चुका है इन दिल्ली, न्यूज़ रोज़ की अपडेट हो रही है। लोगों ने मास्क पहनना से कम कर दिया, आप देख सकते हो बाहर मार्केट में, पहले डाल काली कर रहे थे अभी नहीं, फिर भी लोग डाल रहे थे, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया उन्होंने। चल रहा है बस धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा ये, अभी ज़्यादा यानी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि ज़्यादा फैल गया ज़्यादा फैल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरे आंकड़ों का ख्याल है तो आई थिंक लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे दिल्ली के, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले दिनों में। आई होप कि ये बुरा हाल ना हो, लेकिन दिल्ली को हमारे यहाँ को दिल्ली वैसी की वैसी चल रही है जैसे पहले चल रही थी। न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत भयंकर तरीके से आया हुआ है, तो वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। किसी ने भी देखो सड़क में कोई भी जा रहा है आसपास तो किसी ने भी मास्क नहीं डाला फिलहाल, और अगर मास्क डाले हुए बंदे मिलते हैं तो इक्का दुक्का बंदे ही मिल रहे हैं। कंप्लीट पूरा अभी तो कह नहीं सकते कि हाँ ठीक है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है। तो 11:46 हो चुके हैं, हमने 8:45 सफ़र शुरू किया था, तो अभी वैसा का वैसा ही हाल है, जो 11 ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है तो वैसे ही कुछ चल रहा है। आज साकेत लेके जा रहे हैं फिलहाल, साकेत के रास्ते में देखते हैं क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक सेलिब्रिटी से मिला था कुछ दिन पहले, तो उसने बड़ी फतेह की बात बोली। सो सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूँगा, सो इज़ अ फेमस स्टार। ही सेड कि मैं कुछ दिन पहले मतलब 20 दिन पहले शायद सिंगापुर गया था, और वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरा प्रॉपर स्कैनिंग हुआ एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, राइट। बट अगेन आई वेंट टू दुबई 6 या 7 पहले, 7 हुए होंगे शायद उसको। तो दुबई से जब वो वापस आए हैं, दुबई में मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया उन्होंने, सो देयर वॉज नो स्कैनर नो चेकिंग। मतलब भैया चाइना में 2 हो चुके हैं और सारी दुनिया में इसका कहर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप इंडिया में जो भी बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आप चेक नहीं कर रहे हो, चाहे वो इंडियन है चाहे कहीं से फ्लाइट आ रही है। तो ये प्रिकॉशन इंडिया में पहले से मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए थी, जो अब जाके ये बता रहे हैं कि हाँ भैया बाहर से जो लोग आए उनके कारण फैलना शुरू हो चुका है कोरोना। आई डोंट नो, ये सड़कें अभी बहुत भीड़ वाली लग रही है, अभी तो चलो मैं खाली सड़क में हूँ, लेकिन पीछे आपने ट्रैफिक भी देखी होगी, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये जो वायरस है इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो तो ये सारी सड़कें खाली हो जाएंगी, या चाइना वाला हाल हो सकता है ये दिल्ली का या भारत का। तो सरकार को थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड इट्स वेरी सैड ऑन गवर्नमेंट पार्ट। और अभी तो मेरे को लगता नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी भी ऐसी होगी कि जो अगर बाई चांस ऐसा कुछ वायरस आता है तो इस सबको टैकल कर सके। मौसम बहुत दिल्ली का शानदार हो रखा है, इसमें कल रात को बारिश भी हुई थी यहाँ पर, और डेली डेली मौसम चेंज होता जा रहा है, इस हिसाब से अभी इतना इफेक्ट लगता नहीं कि हाँ कोरोना वायरस का इतना इफेक्ट पड़ रहा है।
तो गाजियाबाद से मैं सुबह सुबह गया था वहाँ पर जीटी का नाल रोड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे, वहाँ पर भी कुछ खास हलचल नहीं दिखी। फिर मैं साउथ दिल्ली होके आया, वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल था। अब हम दोबारा नॉर्थ कैंपस की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो सब कुछ ओके और सब कुछ अंडर कंट्रोल। एंड भैया यहाँ पर थोड़े दिन पहले दंगे भी हुआ, अब यहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, दंगे भी हुए। और वो भी मैंने सुना है कि यहाँ पर लोकलाइज लोगों से बात की है कि वो दंगे भी करने वाले दिल्ली के लोग नहीं थे, बाहर से गुंडे आए हुए थे। ये भी हैं, काफ़ी जगह तोड़फोड़ भी बहुत मचाई है लोगों ने। पर वो और मैं तो वही सोच रहा हूँ कि चाइना में देखिए वुहान शहर, वो भी इसी तरह का एक शहर था दिल्ली की तरह भीड़ भाड़ वाला, वो जब सुनसान हो गया तो कैसा हुआ। तो वही है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, गवर्नमेंट प्रिकॉशन ले कि भैया अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो वो और स्प्रेड ना हो कोरोना वायरस, उसके लिए गवर्नमेंट की तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे दिल्ली को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, बेसिकली दिल्ली दिल वालों की दिन और रात रहती है दिल्ली, तो वैसी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। और वैसे ही हाल अभी फ़िलहाल मैं न्यूज़ चैनल में देख रहा था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ये आ रहा था कि ये हो गया वो हो गया, बट सब कुछ नॉर्मल है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है फिलहाल। क्या हाल है भाजी? तो अभी सैनिटाइजर और मास्क कितने बिक रहे हैं आपके डेली के? सैनिटाइजर मास्क डेली अच्छे बिक रहे हैं सर। बिक रहे हैं? हाँ जी। तो कितनी बिक्री होगी बेसिकली? तो मैंने सुना है स्टॉक आउट हो गए सर। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक आउट तो कोई नहीं है, बट ये है कि अच्छी कंपनी का माल सारा बिक चुका है, तो लोकलाइज सारे आ रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी का वो माल बिक चुका है, स्टॉक खत्म हो चुका है। रश बड़ा कम है यार, मैं रोज आता हूँ आपके यहाँ पर, रश भी कम है। रश थोड़ा सा बारिश करके। अरे कोरोना वायरस का कोई असर हुआ है? नहीं, इससे हमारे को वेज में कोई असर नहीं है। हाँ, वेज में कोई असर नहीं है सर। अच्छा। हाँ, रश हमारा पूरा है, होम डिलीवरी काफ़ी जा रही है, ऑनलाइन पूरा काम है। अच्छा। प्रॉपर वर्क है हमारा। फैला कम है, हुआ ज़्यादा मचा हुआ है इंडिया में तो। अच्छा, स्पेशल दिल्ली में? हाँ, स्पेशल दिल्ली में। हाँ भाई, ये मास्क पहनना है, हेलमेट नहीं पहनना किसी ने, लेकिन मास्क पहनना है। अच्छा, वो लगता है ये ट्रेंडिंग रहता है कि हाँ भाई, वी आर अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। तो बेसिकली बात ये है कि दिल्ली में सुबह से लेके अभी तक घूम रहा हूँ, और अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकल रहा है कि दिल्ली में न्यूज़ चैनल्स में या कहीं और खबरें ज़्यादा उठ रही हैं, लेकिन सब लोग ये देखिए भाई भी यार मास्क नहीं डाला आपने, मिला ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि सब कुछ नॉर्मल की तरह चल रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, मार्केट्स वैसी की वैसी है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल जो असर बताया जा रहा है बाकी सारे जगह का, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली दिल्ली बड़े ही नॉर्मल रफ्तार में जैसे पहले चलती थी उसी तरह दिल्ली चल रही है। तो आज का जो व्लॉग था वो बेसिकली दिल्ली के दर्शन करने थे कि भैया जो कोरोना वायरस की बेसिकली जो कोरोना वायरस हो रखा है कि हाँ दिल्ली में कोरोना वायरस हो रखा है, वो असल में हो रखा है या नहीं हो रखा। बट ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं डाले हुए, ज़्यादातर लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगी डे टू डे बिता रहे हैं, और अभी फ़िलहाल सारी स्थिति कंट्रोल में नज़र आ रही है। होप कि आगे भी ऐसा ही नज़र आए, कुछ केसेस आए हैं दिल्ली के, बट उम्मीद करते हैं कि ये बढ़े ना। और अपने आप को क्लीन रखिए, साफ रखिए, और जब भी कोई फ्लू आता है तो डॉक्टर से डेफिनेटली जाके आप कंसल्ट कीजिए। तो ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, बस इतना ही कहना चाहूँगा जाते जाते, कीप ब्लॉगिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बजूका वर्ल्ड आपके लिए और भी ब्लॉग्स लेके आएगा, और दिल्ली में कुछ दिन और हूँ, कोशिश करूँगा और भी पार्ट्स दिखाऊँ दिल्ली के, और एक बड़ा धमाकेदार टूर आने वाला है। वो टूर होगा कहाँ का? फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, आने वाले ब्लॉग्स में।